भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और आपका ये होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आप सभी को बहुत ही पावन बहुत ही प्राचीन एक ऐसे मंदिर में लाया हूँ जो जम्मू के रानी तालाब एरिया में स्थित है और इस मंदिर का इतिहास इस रानी तालाब के इतिहास के साथ जुड़ा है। ये मंदिर राजा महाराजा के जमाने का वो मंदिर है जिसे पुंछ के राजा ने बनाया था और आज तक ये डोगरा रियासत की धरोहर है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे सांवरी सलोनी सूरत के तू है प्यारी प्यारी मूरत के कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन इना झरना लग जाए हाय 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 इना झरना लग जाए होय होय हाय हाय नजर न लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए होय होय तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पंडित संजीव कुमार जी से कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या वो पौराणिक कथा है जिससे इस मंदिर का प्रचलन इस मंदिरों के शहर जम्मू के दिल में बसा है। और जैसे कि ये रानी तालाब एरिया में स्थित मंदिर है तो ये वाकई ही इस मंदिरों के शहर के दिल में बसा हुआ मंदिर है। ये जो मंदिर लगभग 200 साल से पुराना मंदिर है ये राजा महाराजों के टाइम पे बनाया हुआ है और ये चूना सुर्खी का बना तो अंदर राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है बहुत ही प्राचीन है और वो काफ़ी उनका प्रभाव भी है जो लोग काफ़ी लोग इधर आते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जो मान्यता मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। इसके बाद है कि इसके तीन द्वार पहला द्वार भी है दूसरा द्वार भी है तीसरे द्वार के अंदर जाके राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। उस टाइम की वहाँ पे भगवान शैलिक राम भी रखे हुए हैं काफ़ी प्राचीन जो आपने अभी देखे भी अंदर जाके कि काफ़ी पुराने हैं वो उनकी भी काफ़ी मान्यता है जो लोग उनकी पूजा करते हैं काफ़ी उनको फल वगैरह मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए दोस्तों जैसा पंडित जी ने अभी शालिग्राम जी के बारे में बताया था अब जानते हैं पंडित जी से शालिग्राम जी का इतिहास। पंडित जी शालिग्राम जी का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है? बताया जाता है कि नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी ठीक है वहां से जो कुछ जो नदी है वो तुलसी का जी रूप है। आप अगर बताया जा रहा है कि अगर तुलसी आप हाथ में रखोगे तो इस सब पानी के ऊपर रखोगे तो शालिग्राम आपके हाथ में वो उसकी सबसे बड़ी मान्यता तो उस नदी से ही निकाल के लाए हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम के हैं ये उसे लाए नदी से निकाल इसको रानी पार्क के नाम से भी जाना जाता है रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बाहर रानी तालाब हुआ करता था जो समय के साथ साथ ये तालाब बढ़ता गया और आज जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक पार्क बना दिया जहाँ पे लोग आके सैर कर सके अपना समय बिता सके उसमें। पंडित जी जैसे कि आपने भी कहा कि ये मंदिर जो है वो चूना सुर्खी का बना और मेरे जैसे कई ऐसे यंग दोस्त होंगे मेरे जिन्होंने शायद चूना सुर्खी का नाम नहीं सुना होगा तो पंडित जी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा जो कि नॉलेज का अलग से हिस्सा होगा हमारे लिए इस प्रोग्राम के साथ साथ भक्ति का भ्रमण तो है लेकिन अब ज्ञान का भ्रमण भी आपने बना दिया इसे कि चूना सुर्खी होता क्या है। पहली तो बात बोलूँ बस ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ चलते हैं
ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं है, विज्ञान के बिना ज्ञान, ये दोनों साथ चलते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। पहले जमाने में जो सीमेंट नहीं हुआ करता, उस वक्त लोग चूना, जो माँ की दाल होती थी, काली काली दाल होती माँ की, वो पीस के, जो पुराने जमाने में वो जो बेड बनाए जाते थे सन के, सन के पीस पीस करके उसको कूट के, और साथ में माँ की दाल पीस के, और चूना सुर्खी, सुर्खी जो होता था, जो लोगों को सिंदूर होता है, सिंदूर बीच में डाल के चूने के बीच लाके उसको वो बना के, जैसे आजकल वो मसाला बनाती है सीमेंट का, उसी तरह वो मसाला बना के उनके ऊपर लगाया जाता था, और पत्थरों का इस्तेमाल होता है। ये कोई आजकल जैसी ईंटें बनी है, ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता। ये अच्छी नॉलेज मिली है आज हमें दोस्तों, कि चूना सुर्खी, जो शायद मैंने भी यहाँ पहली बार पंडित जी के द्वारा ही सुना है। तो अब आज से पंडित जी के आशीर्वाद से और प्रभु राम के, प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद से हम इस प्रोग्राम को एक नए मोड पर लेकर जाएंगे, जो भक्ति भ्रमण तो होगा ही, ज्ञान भ्रमण भी होगा। और हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में, आज से आने वाले हर एपिसोड में, क्योंकि ये हमारा 11वां एपिसोड है, तो आज 11वें एपिसोड से हम ये शुरुआत करते हैं कि हर एपिसोड में हम कोई ना कोई ऐसी पौराणिक बात या पौराणिक ज्ञान जरूर लाएंगे, जो आने वाले समय पर लुप्त होता जा रहा है। तो ये आज का ज्ञान हम यहीं बांधकर आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, और आप सभी के साथ इस ज्ञान एवं भक्ति के भ्रमण को आगे ले आपके माध्यम से भी जन्मष्टि को भी ज़्यादा जन्मष्टि को देखने जो आने वाले युवा हैं, जिन्होंने आगे समाज को संभालना है, देश को संभालना है, ताकि उनको भी भक्ति का ज्ञान भी होना, आपके माध्यम से मैं यर्ज करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि हमारे जो युवा जो है वो इस सनातन धर्म को पहचाने कि हमारा सनातन धर्म है। तो दोस्तों, जैसा पंडित जी ने कहा कि हमें धर्म को आगे पहुंचाना है, हमें हर धर्म को आगे पहुंचाना है, हर एक धर्म एकता के साथ चलता है दोस्तों, और इसी एकता की जरूरत मुझे आप सभी से भी है। अगर इस बात को आगे पहुंचाना है और हमें इस धर्म को, अपनी हजारों पीढ़ियों पुरानी सभ्यता को आगे पहुंचाना है, तो एक चीज आपको भी करनी पड़ेगी दोस्तों, वो है हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो पंडित जी के साथ कई ऐसे मंदिरों का ज्ञान, कई ऐसे मंदिरों का इतिहास, और कई ऐसे फैक्ट्स जो हम नहीं जानते, वो सारी दुनिया तक पहुंचेंगे दोस्तों। इसी के साथ पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें भगवान की कृपा का पात्र बनाया। जय श्री राम। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक और अच्छी चीज भी है, जो है इस कदंब के पेड़ का होना। ये कदंब का पेड़ हमें कृष्ण जी की याद दिलाता है, क्योंकि यमुना किनारे वो इसी की टाली पर बैठकर बंसुरी बजाते थे। और दोस्तों, इस वृक्ष की एक और खास बात भी है। हमारी पुराणों में ये मान्यता है कि अगर भादो महीने में इस पेड़ के पत्तों से गिरकर आप पर पानी पड़े, तो आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कदम के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाते हुए आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्ति की तरफ लेकर जाता हूं, और आपके साथ ये वादा करता हूं कि एक नए एपिसोड के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये भक्ति का भ्रमण यूं ही चलता रहेगा, जब तक हमारी यात्रा में आपके साथ हमारा विश्वास बना रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।